वेलकम बैक क्लास। तो यूनिट 1 के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आज सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लासेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। तो उसका यहाँ पे ये फेज डायग्राम शो किया गया है और हमारे इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन सा वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अभी बेसिकली हमें वो पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे ये फेज डायग्राम दिख रहा है और एरो इसमें, यहाँ पे तुम देखोगे तो नीचे से ऊपर की ओर है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर सबसे पहले समझ लेते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है, जैसे अगर मान लो कोई सॉइल है, तुमने उस सॉइल को ओवन में हीट कर दिया, ठीक है, हीट करने के बाद तुमने उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया, तो एटमॉस्फेयर के जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जो कुछ देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे के बाद, वो जो सॉइल एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर अपने अंदर रिटेन करेगा, वो जो वाटर है वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं एकदम माइक्रो लेवल पे, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉइल के, उसके ऊपर एक पतली सी हल्की सी फिल्म भी ना दिखाई दे, उतना वाटर अगर वो जो है अपने अंदर रिटेन किया हुआ हो, वही वाटर तुम्हारा होगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक, तो उसके बाद अगर और फेज की बात करते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के ऊपर यहाँ पे कैपिलरी वाटर है, यानी पानी और बढ़ेगा तो फिर क्या है, कैपिलरी वाटर्स, यानी जो वॉइड्स हैं, जो तुम्हारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वो सॉइल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, उन सारे वॉइड्स के बीच में जो है कम्प्लीटली पानी फिल हो जाए, तो वो तुम्हारा हो जाएगा कैपिलरी वाटर। ठीक, कैपिलरी वर्ड इसलिए है, कैपिलरी एक्शन तुमने पढ़ा हुआ होगा क्लास 11th में। तो कैपिलरी वाटर यानी जो उन मॉलिकुलर फ्रिंज के बीच में ये जो पानी टिका होता है ग्रेविटेशनल के थ्रू, वो नीचे नहीं जा रहा होता है बिकॉज ऑफ द मॉलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, जो सॉइल के आपस में पार्टिकल है और वाटर का आपस में उनके साथ कोहेसिव फोर्स और इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है, उसकी वजह से ही जो है वो कैपिलरी वाटर उसमें रहता है। देन अगर बात करें उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर मतलब अब एक्सेस, सारे कैपिलरी के सारे फ्रिंज तुम्हारे भर गए हैं, अब जो है वाटर ज्यादा हो गया, तो वही वाटर जो है वो नीचे जाके ग्रेविटेशनल फॉर्म में दिखेगा। ये यहाँ पे क्या पानी अवेलेबल होगा, क्या नहीं अवेलेबल होगा, सुपरफ्लूस वाटर हो क्या होगा, इसको हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करो कि अभी ठंडियों का टाइम चल रहा है, ठीक है, तुम एकदम ओवन ड्राई, अगर मान लो तुम्हारे घर में एक कपड़ा लगा, पोछा लगाने वाला एक कपड़ा है या कोई भी एक क्लॉथ है, एक ओवन ड्राई मतलब तुमने उसको बिल्कुल ओवन ड्राई या अभी अभी तुमने प्रेस करा हुआ है उस कपड़े को, ओवन ड्राई करके तुमने अगर उसको रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर बिल्कुल अभी वाटर कंटेंट जीरो हो गया। उसके बाद अगर आप उसको बाहर छत पे या बाहर खुले में अगर उसको 1 घंटे 2 घंटे छोड़ दोगे, तो तुम देखोगे कि वो कपड़ा बहुत ठंडा हो गया, वो जो क्लॉथ है वो काफ़ी ठंडा हो गया। वो ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि उसके इंट्रा मॉलिकुलर फ्रिंज में, अगर माइक्रो लेवल पे देखोगे तो इंट्रा मॉलिकुलर फ्रिंज में जो क्लॉथ है, वो क्लॉथ के बिल्कुल माइक्रो लेवल में उसने एटमोसफियर से जो है पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो यही जो पानी है ये क्या हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें तुमने आर्टिफिशियली मान लो किसी फुहारे से या किसी से तुम उस कपड़े पे पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले कपड़ा वो थोड़ा नम होगा, ठीक है, लेकिन अगर अभी वो कपड़ा नम है, लेकिन अगर हम बात करें कि उस नम कपड़े को भी अगर हम निचोड़ करके उससे पानी निकालने की कोशिश करें, तो क्या नम कपड़े में से पानी निकलेगा, अभी पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उनके इंट्रामोलिकुलर फ्रिंज में फंसा हुआ पानी है, वो पानी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ इवेपोरेट हो सकता है, या फिर तुम उसको ओवन में डालो या प्रेस करो तो वो इवेपोरेट होगा, वो उसको तुम निचोड़ करके नहीं निकाल सकते हो।
अगर तुम उसी सावर से या किसी और सोर्स ऑफ वाटर से तुम उसी कपड़े पे और पानी डालते रहो, कंटिन्यू डालते रहो, तो फिर क्या होगा, जो कपड़े के छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, ठीके? उन पोर्स के बीच में जो वॉइड्स है, अब वॉइड्स के बीच में सारा पानी भर गया है, ठीक है। अब वो यही जो पानी है जो सारे वॉइड्स में भरा हुआ है, लेकिन वो उसमें से अभी टपक नहीं रहा है, ठीक है। तो वो जो पानी है वो तुम्हारा है कैपिलरी वाटर, लेकिन अगर तुम उसको निचोड़ोगे, मोड़ोगे, तो निचोड़ के कुछ पानी निकलेगा, ठीक है। ये कपड़े का एग्जाम्पल मैं इसलिए ही ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इससे बेटर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम उसको और फर्दर पानी सप्लाई करते रहोगे, तो अब जब वो मैक्सिमम पानी जितना वो अपने अंदर वो कपड़ा रिटेन कर सकता था उसने कर लिया, तो उसके बाद जब तुम उसको सूखने के लिए कैसे डालोगे, तो उसमें से नीचे पानी छूता रहेगा। यही सेम एग्जाम्पल है, हम सॉइल के साथ भी समझेंगे कि अगर जैसे मान लो हमने कपड़े की धुलाई करी, ठीक है, तो हमने कपड़े को बाल्टी से तुरंत ही निकाला धुल के, और जब रस्सी पे या किसी उस पे डाला, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ देर तक कपड़ा में से पानी निकलता रहता है, गिरता रहता है, ठीक है। तो मान लो आधे घंटे तक या 1 घंटे तक पानी उसमें से टपक रहा था, तो वो कौन सा पानी था, वो एक्सेस वाटर था, जो कि उसकी कैपिलरी फ्रिज के कैपिलरी उसके कैपिलरी फ्रिंज को भी पूरा भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसमें ज्यादा पानी था। वही पानी जो है ग्रेविटेशनल के फॉर्म में नीचे पानी टपक रहा था। अगर तुम उसको आधे घंटे बाद जाओ और उसको तुम कस करके उस कपड़े को निचोड़ने की कोशिश करो, तो क्या है, उससे कुछ पानी और भी तुम निचोड़ करके निकाल लोगे। ये जो तुमने निचोड़ करके पानी जब निकाला उसमें से, तो ये एक तरह का वाटर क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कैपिलरी वाटर, जो उनकी कैपिलरी में फ्रिंज में फंसा हुआ था, लेकिन ड्यू टू द ग्रेविटी वो नहीं गिर रहा था नीचे। क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि वो पानी उसकी वॉइड कपड़ों के बीच के इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से और कोहेसन, पानी और उस कपड़े के कोहेसन की वजह से टिका हुआ था। उसके बाद तुम देखोगे कि जब कपड़ा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए, तो वो कैपिलरी वाटर भी चला जा चुका है, यानी कपड़ा अब तुम्हें छूने में सिर्फ नम लग रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से सूखा नहीं है। लेकिन अगर तुम उसको अब निचोड़ोगे, तब भी उसमें से बिल्कुल पानी नहीं निकलने वाला। तो अब उसमें जो नमी आ रही है, जो वो कपड़े पे ठंडक है, लेकिन निचोड़ने पे पानी नहीं निकल रहा है, वो कौन सा वाटर हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया। तो ये अब कपड़े वाला एग्जाम्पल बिल्कुल दिमाग में समझ लेना है, और उस हिसाब से हमें सॉयल को समझना है। इसका भी मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये कपड़े के एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत ही बेटर समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले एक ड्राई सॉइल है, मतलब एक पूरा खेत है या कोई भी एक लैंड है, वो बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो सबसे पहले जब उसको पानी सप्लाई होगा, तो सबसे पहले क्या है, वो पानी मॉलिक्यूल्स के अंदर चला जाएगा, यानी जो वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में है मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले वो पानी क्या हुआ, हाइग्रो, मतलब पहले सबसे पहले मिट्टी वो हल्की हल्की नम होगी, लेकिन ये पानी हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। ये वही पानी है जो कपड़ा है बिल्कुल नम है, लेकिन निचोड़ने पे पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो वो पानी, अगर पेड़ की भी बात करें, तो वो उस मिट्टी को निचोड़ करके निकाल नहीं सकते हैं। तो ये पानी हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कंटिन्यूअसली उसी वाटर सोर्स से तुम पानी और सप्लाई कर रहे हो, मान लो बारिश ही हो रही है, तो सबसे पहले सूखी मिट्टी हल्की हल्की नम होगी, लेकिन अभी उसमें से कोई भी पानी तुम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सूखी मिट्टी थी कि वो सारे जो सारे सॉइल पार्टिकल हैं, वो सारे सॉइल पार्टिकल्स ने हाइग्रोस्कोपिक वाटर रिटेन किया हुआ है। फिर जब कंटिन्यू बारिश और लगातार हो रही है, तो फिर क्या है, ये सारे सॉइल फ्रिज के बीच बीच में जो वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के बीच में भी पानी भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पानी है, ये हो गया तुम्हारा कैपिलरी वाटर, यानी अगर कपड़े का एग्जाम्पल हो, तो ये अब वो पानी है जिसको अगर निचोड़े तो कुछ पानी निकलेगा, और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए यही वाटर है, ठीक है, कैपिलरी वाटर्स। अभी कैसे एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। फिर उसके बाद अगर ये फर्दर उसी रेनफॉल से या किसी सोर्स ऑफ वाटर से कंटिन्यू पानी उसी फील्ड को दिया जा रहा है, तो फिर अब एक कंडीशन आएगी कि अब उसके वो सॉइल पूरी तरह से सेचुरेट हो चुका है, और सेचुरेट होने के बाद अब जो एक्सेस ऑफ वाटर है, वो पानी नीचे जाके ग्राउंड टेबल में या वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो यही, ये जो यहाँ पे फेज डायग्राम दिखाया हुआ है, ये उल्टा फेज डायग्राम है, मतलब पानी अगर यहाँ से बात करूँ, यहाँ जीरो है,
जीरो से जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हुआ किसी भी सॉइल में, तो सबसे पहले वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर कैपिलरी वाटर, और कैपिलरी वाटर के एक्सेस होने के बाद वो फाइनली ग्राउंड ग्रेविटेशनल वाटर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये ग्रेविटेशनल वाटर यानी कि पानी जो है नीचे जाके वाटर टेबल से मिल जाएगा। तो अब हमारे रूट जोन के लिए बात करते हैं। तो हमारा जब कोई भी प्लांट है, मैंने बताया था उस कोई भी अगर कोई खेती कर रहे हैं, कोई प्लांट कर रहे हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं जनरली वो कितना, आधा मीटर, 1 मीटर या 1.5 मीटर की डेप्थ तक होगी। तो उसके लिए जो अवेलेबल वाटर होगा, देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाला कपड़ा है जिसको निचोड़ने पे बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है, तो ये पानी वो पेड़ भी नहीं निचोड़ पाएंगे, तो ये पानी उन पेड़ों के लिए भी अवेलेबल नहीं है। बात करें ग्रेविटेशनल वाटर की, तो जैसे बारिश हुई 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो ड्यू टू द ग्रेविटी ये सारा पानी जाके वाटर टेबल में मिल गया, तो ये पानी भी जो है अवेलेबल नहीं है प्लांट को। ठीक है, शुरू के 1-2 घंटे में भले ही अवेलेबल हो, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड की बात करें तो ये पानी भी अवेलेबल नहीं है। जो पेड़ ग्रो करेगा यानी जो पेड़ अपने फोटोसिंथेसिस में जो पानी यूज करेगा, वो इसी पानी को यूज करेगा जो कि उनके फ्रिंज में सॉयल के बीच के वॉइड्स में भरी हुई है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी वाटर। तो यहीं से अब हमें सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ग्रेविटेशनल वाटर से नीचे का जो कैपिलरी वाटर है यही वाटर अवेलेबल है। वाटर, ये अवेलेबल वाटर किसको है, ये प्लांट्स के लिए ये अवेलेबल है। और देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन तुम देखो कि यहाँ पर एक दूसरी लाइन भी चल रही है जिसको बोलते हैं हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग का मतलब होता है, ये देखो विल्टिंग कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है ना, विल्टिंग का मतलब होता है पेड़ों का सूख जाना एक तरह से। तो देखो फिर से मैं कपड़े का एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले अगर जैसे मैंने बताया कि एक ओवन ड्राई कपड़े को अगर हमने खुले एटमॉस्फेयर में ठंडक में ही है, जैसे अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है, तो अगर हमने उसको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो वो कुछ देर के बाद नम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निचोड़ वो जितना पानी उसने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया वो ये लाइन है जो यहाँ पे दिख रही है, ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद हमने किसी सोर्स से, मान लो एक हल्के सावर से हमने उस कपड़े को पानी देना शुरू किया, तो शुरू में जो थोड़ा बहुत पानी हम उसको देंगे वो पानी भी हम चाहें अगर उस कपड़े से निचोड़ के निकालना तो वो भी नहीं निचोड़ पाएंगे। ठीक है, वो पानी निचोड़ करके निकालना, अगर इसको मैं साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं तो यही होता है स्पेसिफिक फी, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन। ठीक है, जो टोटल अवेलेबल वाटर होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन। तो मान लो एक कपड़ा है, एक कपड़े को तुमने पानी में डुबोया, डुबो करके निकाल दिया, तो जब निचोड़ने पे जितना पानी उससे तुमने निकाल लिया वो तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक यील्ड, जितना पानी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ये तुम जब अभी आगे हाइड्रोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें तुम कोई वेल है, कोई कुआं है, तो सॉइल से कितना पानी उस कुएं में जाता है, एक्वीफर प्रॉपर्टीज की चीज़ें पढ़ोगे वहाँ पे भी तुम्हें ये चीज़ें पढ़नी है, इवन जियोटेक भी तुम्हें ये चीज़ पढ़नी है। और स्पेसिफिक रिटेंशन क्या हुआ, स्पेसिफिक रिटेंशन वो जो कपड़ा हमने था जो निचोड़ने के बाद भी वो पानी, अभी वो पूरा भीगा है कपड़ा, वो सूखा तो नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब उसमें भी पानी है, तो जितना पानी नहीं निकाल सकते अपने अंदर रिटेन कर रहा है वो हो गया स्पेसिफिक रिटेंशन। तो यहाँ पे अभी स्पेसिफिक यील्ड या रिटेंशन के फॉर्म में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि भाई पेड़ों के लिए। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि हाइग्रोस्कोपिक से थोड़ा लेवल ऊपर तक भी जो है वो पेड़ के रूट जो है पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे सॉयल से, तो वो जो लाइन खींची हुई है यानी एक पॉइंट के बाद ही वो पानी जो है उनके सॉयल के पार्टिकल्स के बीच में आपके फ्रिंज में फंसेगा, वही पानी एक्सट्रैक्ट होगा। तो यानी एकदम से एग्जैक्टली हाइग्रोस्कोपिक लाइन पे अगर हम देखें, जैसे कोई पॉइंट होगा ना कि हाइग्रोस्कोपिक भाई सारे जो सॉइल पार्टिकल हैं वो पूरी तरह से नम हो गए हैं, तो उससे भी थोड़े ऊपर, थोड़ा सा ऊपर पॉइंट पे ही तुम्हें एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिलेगा। अब ये विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो तुमने एक कोई गमला है या कोई एक सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल को तुमने पानी अवेलेबल कराया, तो उसके जो रूट में जो रूट जोन है वो रूट जोन ऑस्मोसिस के थ्रू पानी वो ले रहा है, उसके बाद तुमने उसको और पानी सप्लाई नहीं करा, तो वो मिट्टी सूखती जाएगी। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद कि अब उस गमले में से या उस सॉइल पे से वो
प्लांट के रूट पानी अब फर्दर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर तुमने दोबारा से पानी नहीं दिया तो इस पानी की कमी से ये जो पेड़ लगा हुआ है, ये प्लांट जो है तुम्हारा सूख जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट जहां पे जिसके नीचे अगर पानी की अवेलेबिलिटी, मतलब वो पॉइंट जिसके नीचे जो है पेड़ जो है विल्टिंग की तरफ मूव हो जाए, यानी सूखने लगे, वही तुम्हारा होता है विल्टिंग कोफिशियंट पॉइंट। तो देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है टेम्पररी विल्टिंग और एक होता है परमानेंट विल्टिंग। टेम्पररी विल्टिंग मतलब कि सॉइल में काफी डिफिशियंसी हो गई पानी की, लेकिन तुमने समय रहते पानी वापस से डाल दिया उस सॉइल में, और वो जो पेड़ है थोड़े बहुत मुरझा गए थे लेकिन वो वापस से जिंदा हो गए, वापस सारे ठीक हो गए। तो ये हो गया टेम्पररी विल्टिंग, मतलब टेम्पररी पेड़ जो है मर गए थे लेकिन अभी पूरी तरह से सूखे नहीं थे। और एक होता है परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग मतलब वो पेड़ बिल्कुल पूरी तरह से सूख चुके हैं, अब तुम कितना भी पानी प्रोवाइड करो उसके बाद, लेकिन वो पेड़ वापस से हरे नहीं होने वाले, वो वापस से जिंदा नहीं होने वाले। तो ये होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो अब हमें ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस बात को समझना है कि हमें जो बेसिकली सॉइल को प्रोवाइड करना है पानी आर्टिफिशियली, तो हमें हमेशा ये देखना है कि हम अगर उसकी, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर दोनों ईयर फाउंडेशन डे के दिन जो बच्चे हैं उन्होंने एक अच्छा सा बहुत ही इनोवेटिव एक सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किया हुआ था और एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाया था जिससे कि सॉयल के मॉइस्चर को डायरेक्टली रीड कर रहे थे। तो अभी जैसे बाकी कंट्रीज में अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ऑटोमेटिकली इरिगेशन है, मतलब तो वहां पे किसी को देखना नहीं होता खेत को कि हाँ खेत में पानी सूख गया या कम हो गया, तो अब हम ट्यूबवेल ऑन करें या अब हम नहर का गेट खोलें। वहां पे ऑटोमेटिकली इरिगेशन यानी एडवांसमेंट की बात करें आगे आने वाले फ्यूचर में, तो हमें इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट्स बन चुके हैं जो कि सॉइल के मॉइस्चर को मेजर करेंगे। तो अगर हमने उस पर एक रीडिंग दे दी, एक रीडिंग डिसाइड कर दी हर सॉइल के हिसाब से, कि जैसे ही यहाँ पे ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे उसका सॉइल मॉइस्चर जो है पहुंचे, वहां पे जो भी सोर्स ऑफ वाटर से पानी सप्लाई करना है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, हर 15 दिन पे, 20 दिन पे, जो भी उसका रोटेशन है, जिस हिसाब से वहाँ का वेदर है, जिस हिसाब से सनलाइट है, उस हिसाब से जैसे ही वो इस सॉइल मॉइस्चर को कंटिन्यूअसली उस सॉइल में हमने एक मान लो चिप जैसा इंसर्ट कर दिया है जिससे वो कंटिन्यूअसली, देखो ये बहुत डिफिकल्ट कोई इक्विपमेंट नहीं है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो अगर मान लो हमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड लगा दिया और इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास होनी है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कब तक पास होगी, जब तक इनके बीच में जो है मॉइस्चर अवेलेबल है यानी पानी अवेलेबल है। तो अगर मान लो हमने कोई भी दो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव लगा के उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कहीं पे उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर वगैरह अटैच कर दिया, तो उससे हम ये देखते रहेंगे कि सप्लाई ऑफ करंट जो है, का सप्लाई ऑफ करंट का फॉर्म कितना है। अगर आप सप्लाई ऑफ करंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब कि इन सॉइल के बीच में जो है मॉइस्चर अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकल जो है इसमें वो चल रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है। जैसे जैसे ये पानी इसमें कम होता जाएगा वैसे वैसे उस वोल्ट मीटर में तुम्हारे इलेक्ट्रिक फ्लो को दिखाता रहेगा और इलेक्ट्रिक फ्लो कम होता रहेगा। जब वो बिल्कुल जीरो हो जाए या कम हो जाए, तुमने एक रीडिंग सेट कर दी है कि हाँ अब जो है इसमें इलेक्ट्रिक करंट इतना कम हो गया, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई अब खेत में पानी डालने का टाइम आ गया है। और ऑटोमेटिकली अगर इसको तुमने किसी डिजिटली सॉफ्टवेयर से अटैच कर दिया है कि इस पॉइंट पे पहुंचते ही वहां पे गेट की ओपनिंग हो जाएगी किसी कैनाल की या ट्यूबवेल ऑन हो जाएगा, तो यही अलग दूसरी जो कंट्रीज हैं यही फॉर्म में आर्टिफिशियल इरिगेशन या फिर ऑटोमेटिक इरिगेशन चैनल जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब इसको एक इमेज से समझने की कोशिश करेंगे। देखो तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई हाइग्रोस्कोपिक वाटर से लेके ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक तो ये पानी अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को, और ग्रेविटेशनल वाटर भी अवेलेबल नहीं है 2 से 3 घंटे तक के लिए, जब तक ये टिका है, बारिश हो रही है, उसके बाद तो 2 से 3 घंटे में ड्यू टू द ग्रेविटी सारा पानी वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा। तो हमारे लिए
जो पानी अवेलेबल है किसी भी रूट जोन के लिए किसी प्लांट को, वो कौन सा पानी है? वो है कैपिलरी वाटर। ठीक, तो ये इस तरह का फेज डायग्राम है। जब से सबसे पहले तुमने सूखी मिट्टी में जो हल्का हल्के धीरे से पानी प्रोवाइड करना शुरू किया, तो सबसे पहले वो हाइग्रोस्कोपिक फॉर्म में हुआ, हाइग्रोस्कोपिक से कैपिलरी वाटर में कन्वर्ट हुआ, एंड देन कैपिलरी वाटर से ग्रेविटेशनल वाटर में कन्वर्ट हुआ। ठीक, जिससे हमें, अगर हम बात करें तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर से थोड़ा ऊपर गए तो एक विल्टिंग पॉइंट आ गया, और विल्टिंग पॉइंट से ऊपर जो है हमें पानी बेसिकली रूट जो है वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम पर अगर कोई भी क्रॉप की क्रॉपिंग कर रहे हैं हम, तो वहां पर जो पानी है उस सॉइल पे वो कभी भी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे ना जाए। अगर वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे चला गया वो पानी, तो वो सारे जो फसल है वो सारी सूख जाएंगी। तो अगर उस टाइम पे उस 2 या 3 दिन या 4 दिन में या 5-10 दिन में अगर हमने उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे वो जाने दिया और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे भी जो है पानी चला गया, यानी अब वो हाइग्रोस्कोपिक या हाइग्रोस्कोपिक और इस फेज में आ गया, यहाँ तक आ गया, तो अब तो वो प्लांट है सॉइल से मॉइस्चर नहीं ले पाएगा, तो वो सारी फसलें सूख जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि परमानेंट विल्टिंग कोफिशियंट से या विल्टिंग पॉइंट से, PWP इसको शॉर्ट में बोलते हैं, कभी भी पानी खेतों में नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें, हम एक इमेज से समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे एक इमेज दिख रही है तुम्हें, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। देखो यहाँ पे देखिए, ये जो रेड रेड से दिख रहे हैं, दिट इज योर सॉइल, सॉइल पार्टिकल्स हैं माइक्रो लेवल में, और इसमें बिल्कुल एक पतली सी छोटी सी हल्की सी फिल्म जैसा वाटर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही तुम्हारा हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और ये रिमेनिंग वाटर्स एडहेयर्स टू द सॉइल वर्टिकल, मतलब ये जो पानी और इस सॉइल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये चिपकी हुई है। या ये तुम उसी तरह से समझ लो जैसे कोई एक चौक है, और उसको अगर हम किसी पानी में, उस पानी में मान लो तुम ब्लू कलर डाल दो, ठीक है, और उस चौक को तुमने उस इंक में डिप करके तुरंत निकाल दिया, तो वो इंक जो है चौक के चारों ओर लग जाएगी, लेकिन उस इंक को या उस पानी को तुम उस चौक से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एड्सॉर्प्शन के लिए जैसे तुमने पढ़ा था ना, ये उसी तरह का है। तो ये तुम्हारा हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब इसमें इसी सॉइल पार्टिकल में और पानी दिए और पानी दिए, तो थोड़ा सा ये फिल्म और मोटी हुई, और धीरे धीरे ये जब मोटी फिल्म हो के, ये इस तरह से चारों तरफ अवेलेबल वाटर की तरह कैपिलरी फ्रिंज में जो पानी हमें दिख रहा है वो हो गया तुम्हारा कैपिलरी वाटर। देखो यहाँ पे लिख रहा है वाटर हेल्ड इन अ माइक्रोपोर्स, दिस इज अवेलेबल वाटर टू द प्लांट रूट्स एंड प्लांट कैन, तो प्लांट है, प्लांट रूट कैन अब्सॉर्ब दिस। तो ये कैपिलरी वाटर ही हमारे लिए अवेलेबल है किसी भी प्लांट के लिए। और इसके बाद और पानी दिया हमने, और पानी दिया, तो अब ये देखो फुल्ली तरह सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने के बाद जो फर्दर पानी है वो ग्रेविटेशन फ्लो के थ्रू जाके नीचे वाटर टेबल में या किसी ड्रेन्स के थ्रू जाके ये मिल जाएगा। अब ये दो जो दो पॉइंट लिखे हैं, विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, ये फील्ड कैपेसिटी अभी मैं तुमको समझाऊंगा। विल्टिंग पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया कि हाइग्रोस्कोपिक से थोड़ा सा और पानी, मतलब अगर इस पॉइंट ऑफ लाइन से पानी और कम हुआ उस सॉइल पार्टिकल में, तो वो पानी जो है हम, मतलब वो पानी जो है वो कोई भी प्लांट के रूट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं सॉइल से। तो वो जो पॉइंट जिसके बाद अब सॉइल से पानी नहीं निकाला जा सकता, वो पॉइंट हो गया तुम्हारा विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट मतलब पेड़ों का सूखने वाला पॉइंट, कि अब इसके बाद जो पेड़ है वो अपने रूट के थ्रू पानी नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते सॉइल से, तो अब वो सूखने लगेंगे। तो जैसे ही इस विल्टिंग पॉइंट तुम्हें आए, उसके बाद तुम्हें वापस से इरिगेट करना है, वापस से पानी सप्लाई करना है खेतों में। तो इसीलिए तुमने देखा ना, हर 15-15 दिन, एक 20-20 दिन, 30-30 दिनों पे हर तरह के प्लांट, हर तरह के क्रॉप्स का अलग अलग रोटेशन है, तो हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं वाटर को। ठीक है, अब फील्ड कैपेसिटी की बात करें, तो फील्ड कैपेसिटी भी पढ़ेंगे। फील्ड कैपेसिटी वही है जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है अवेलेबल है किसी भी प्लांट्स को।
यहाँ से ये समझ में आ गया, उसमें वापस से नोट्स पे चलते हैं। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो इसमें बोल रहा है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर की अगर बात करें, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात कर रहा है, व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल इज केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर, इट एब्जॉर्ब्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक, सॉरी, सम अमाउंट ऑफ वाटर। व्हेन एन ओवन ड्राइड सैंपल इज केप्ट ओपन इन अ एटमॉस्फेयर, इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ मूवमेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और कैपिलरी फोर्स, यानी इस पानी को फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कैपिलरीज के थ्रू एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज योर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देन सेकेंड फॉर्म की बात करें कैपिलरी वाटर की, तो कैपिलरी वाटर इज दैट पार्ट इन एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक से और एक्सेस हो जाए, अभी मैंने बताया ना कि एक पतली फिल्म जो पानी की चढ़ी थी वो और थोड़ी मोटी हो गई, तो वो कैपिलरी वॉइड्स के बीच में जो पानी आके रुक गया, दैट इज योर कैपिलरी वाटर विच एग्जिस्ट इन अ पोर स्पेस ऑफ सॉइल। ठीक, पोर स्पेस यानी वही वो जो वॉइड्स हैं उनमें आके रुका बाय द मॉलिकुलर अट्रैक्शन। और वो वहां क्यों टिका हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ द इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल वाटर, इट इज दैट पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर विच विल मूव आउट ऑफ द सॉइल इफ फेवरेबल ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड। अंडरस्टूड, जो कि है फेवरेबल ड्रेनेज की बात कर रहा है कि अगर उसके जो कैपिलरीज हैं वो अंदर वाटर टेबल तक कनेक्टेड हैं, यानी जो छोटे 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 महीन महीन सी नालियां हैं वो नीचे वाटर टेबल तक कनेक्टेड हैं, तो वो कम्प्लीटली ड्रेन होके वाटर टेबल में तुरंत ही मिल जाएगा। और अगर वो कैपिलरी फ्रिंज या वो जो इंटरकनेक्टेड कैपिलरीज हैं वो टूटी हुई हैं, तो वही पानी जो है तुम्हारा वो मिट्टी के ऊपर तुम्हें भरा हुआ दिखाई देगा सुपरफ्लुएस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये फेज डायग्राम मुझे हमें वाटर का समझ में आ गया कि किस तरह से तीन फेज में वाटर को डिवाइड किया गया है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। और इसमें से हमें बेसिकली क्या समझना था कि किसी भी प्लांट के लिए जो यूजफुल कंटेंट है वाटर का वो कौन सा वाटर है, वो है कैपिलरी वाटर। और एक चीज़ हमने और समझी कि PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है उससे नीचे जो है हमें पानी को नहीं जाने देना है, उससे पहले ही हमें फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर देनी है इरिगेशन की, फिर से जो है हमें अपना ट्यूबवेल चला देना है या फिर हमें अपना कैनाल का गेट खोल देना है या जो भी सोर्स ऑफ वाटर है वो हमें प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। ये सारी हेडिंग्स हैं, डिफिनेशन वाइज ये हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए, जिसमें कि फील्ड कैपेसिटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करें सेचुरेशन कैपेसिटी की, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और अ टोटल कैपेसिटी। ठीक है, एंड इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल पोर्स स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल बाय रिप्लेसिंग ऑल एयर्स हेल्ड इन अ पोर स्पेस। डेफिनेशन से तो मैं काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल कंप्लीटली डेंस तो नहीं होगा, अगर बात करें तो लगभग 67-65% उसमें सॉइल पार्टिकल होंगे, यानी सॉलिड पार्टिकल होंगे, और बाकी क्या है उसमें वॉइड्स होंगे। और वही वॉइड्स या तो एयर वॉइड्स होने होंगे या तो वही वो अगर उसमें तुम पानी देते जाओगे तो वहां से अंदर से एयर रिलीज होती जाएगी और वहां पे पानी भरता जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड कहने का मतलब उसके सारे पोर्स जो हैं, सारे पोर्स से हवा निकल गई है और हर जगह पानी भर गया है, तो वो हो जाएगा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेशन कैपेसिटी बता रहा है कि कोई एक सॉइल मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर रिटेन कर सकता है, दैट इज योर सैचुरेशन कैपेसिटी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सपोज करो हमने एक कोई खाली गमला लिया, ठीक है, कोई एक पॉट लिया, खाली गमला लिया, पहले हमने उसका वेट कर दिया, ठीक, उसके बाद हमने उसमें पूरी ड्राई सॉइल, ओवन ड्राई सॉइल, बिल्कुल सूखी हुई ओवन ड्राई सॉइल से उसको कंप्लीटली फिल कर दिया, ठीक है, और फिल करने के बाद हमने उसमें सॉइल और
उसका फिर से वेट कर दिया। तो पहले वाले वेट में से गम अगर जो इस वाले वेट में से गमले का वेट माइनस कर देंगे तो सॉइल का टोटल वेट हमें पता लग जाएगा कि भाई टोटल वेट ऑफ सॉइल, ड्राई सॉइल कितना है। अंडरस्टूड। अब हमने इसको पानी, इसी गमले में पानी प्रोवाइड करा, ठीक है। पानी प्रोवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे कि एक लेवल के बाद जो है पानी उस गमले के ऊपर भरने लगेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें पानी का सप्लाई बंद कर देना है। तो इससे हमें पता लग गया कि अब उसके जो जितने पोर्स हैं वो तो सारे पोर्स में से एयर निकल गई है और सारे वॉइड सब पानी से भर गए हैं, ठीक। और अब इसी का वापस से अगर हम वेट ले लें और अपने ड्राई सॉइल में से माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये गमला जितने भी बड़ा है उसने इतना वेट ऑफ वाटर जो है अपने अंदर रिटेन करा, तो वो क्या हो गया, उस सॉइल की सैचुरेशन कैपेसिटी हो गई। समझ में आ गया, यानी कोई एक सॉइल मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर रिटेन कर सकता है, दैट इज हिज सैचुरेशन कैपेसिटी। तो सैचुरेशन, अब दूसरी बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की। इसके बाद डिफरेंस भी बताऊंगा मैं कि फील्ड कैपेसिटी और सैचुरेशन कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज टेकन प्लेस एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड 2 to 5 days इज कॉल्ड द फील्ड कैपेसिटी। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल आगे पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे, वो सब में फील्ड कैपेसिटी दी होगी, ना कि सैचुरेशन कैपेसिटी दी होगी। तो फील्ड कैपेसिटी और सैचुरेशन कैपेसिटी में सबसे पहले तुम ये अंतर समझो, वही सेम गमला लेते हैं और गमले का एग्जांपल हमने जो लिया था, तुमने देखा है गमले के नीचे, किसी भी पॉट के नीचे एक छेद भी होता है। तो जो हमने उसमें सॉइल पहले पानी प्रोवाइड करा, तो हम उसको कम से कम एक दिन अगर हम छोड़ दें या मान लो 2 घंटे 3 घंटे छोड़ दें, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो नीचे उस होल के थ्रू सारा पानी जो है वो निकल जाएगा। और 2-3-4 घंटे के बाद जो एग्जैक्टली पानी जो उसने रिटेन करना है उस गमले में, वो उतना पानी रिटेन करेगा, क्योंकि अब जो पानी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के होने के बावजूद भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो वो हो गई तुम्हारी फील्ड कैपेसिटी, ठीक। यानी अगर मैं बात करूँ किसी एक खेत की, किसी मान लो 1 एकड़ का कोई एक खेत है, तुमने उनको उसमें जो पानी प्रोवाइड किया तो वो पूरी मिट्टी गीली हो गई, बारिश हुई या किसी भी सोर्स ऑफ वाटर से तुमने जो पानी प्रोवाइड किया, पूरी मिट्टी जो है पूरी मिट्टी नम हो चुकी है, पूरी गीली हो चुकी है। अब एक्सेस और थोड़ा भी पानी प्रोवाइड करने पे मिट्टी में से पानी वो दिख रहा है, वो पानी ऊपर भरने लग रहा है। तो हमें ऊपर नहीं भरना है, हमें वहीं पर रोक देना है, लेकिन वो भी फील्ड कैपेसिटी नहीं हुई, ठीक है। वो हो गई सैचुरेशन कैपेसिटी की, हाँ सारा जो सॉइल है वो पूरी तरह से उसके सारे एयर वॉइड निकल के वाटर वहां पे चला गया, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसमें से मैक्सिमम ऑफ वाटर जो है वो नीचे ग्रेविटेशनल मतलब कैपिलरीज से होता हुआ नीचे जाके वाटर टेबल में मिल जाएगा। और मिल जाने के बाद एग्जैक्टली 2 या 3 दिन के बाद जो पानी अब उसमें बचा उस सॉइल में, और वो पानी कहाँ क्यों बचा, वो कैपिलरी वाटर है, और वो कैपिलरी वाटर नीचे नहीं जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू, नहीं जाएगा नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि ड्यू टू द इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन वो वाटर जो है उन कैपिलरी फ्रिंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो दैट वाटर इज एग्जैक्टली नोन एज फील्ड कैपेसिटी। डिफरेंस समझ में आ गया। सैचुरेशन कैपेसिटी में हम फ्री ड्रेनेज ऑफ वाटर जो है उसको काउंट नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसको भी ले रहे थे, लेकिन हम फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो एग्जैक्टली फ्री ड्रेनेज होने के बाद जो जितना पानी बच रहा है उसको लेंगे हम, ठीक। तो फील्ड कैपेसिटी को अगर हम फॉर्मलाइज करें तो देखो इसमें लिखा है फील्ड कैपेसिटी कंटेन्स कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखो इसमें ग्रेविटेशनल वाटर नहीं है, जबकि सैचुरेशन की बात करें सैचुरेशन कैपेसिटी बोलेंगे तो कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस योर ग्रेविटेशनल वाटर। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फील्ड कैपेसिटी, देन फील्ड कैपेसिटी इज ओनली द कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इफ यू आर गोइंग टू फॉर्मुलाइज इट तो परसेंटेज में होता है, तो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सेम सॉइल, सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। जैसे मैंने एक गमले का एग्जांपल लिया, वो वही बिल्कुल सेम बता रहा है कि टोटल
उसी सेम वॉल्यूम के सॉइल में जो टोटल पानी जो ये रिटेन कर रहा है, और उसमें उसका सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम, उसी सेम वॉल्यूम का जो सॉइल का जो वेट है, उनका जो रेशियो है, उसको अगर रेशियो मिले तो वही होती है तुम्हारी फील्ड कैपेसिटी इन परसेंटेज। समझ में आ गया? जैसे मैं बात करूं कि अगर मान लो उस गमले में 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी रुका, वेट के हिसाब से हमने माइनस वाइनस करके लिया, तो 1.5 लीटर पानी जो है वो मिला, और टोटल जो सॉइल उस गमले में, जो टोटल ड्राई सॉइल था मान लो, उसका वेट था 3 किलो, 3 kg के अराउंड, ठीक। तो ये 1.5 जो पानी उसने रिटेन किया और 3 kg जो ड्राई सॉइल का वेट था, तो ये कितना हो गया, फील्ड कैपेसिटी इज 50%, ठीक है। वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। देखो, अब यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर कहीं पर फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू कम दी है और दूसरे कंपैरेटिवली दूसरी जगह पे फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा दी है, इससे हमें एक बात समझ में आ रही है, फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा मतलब कि वो जो सॉइल है वो ज्यादा पानी रिटेन करता है, और दूसरी तरफ, दूसरा तरफ की एक दूसरी टाइप की एक सॉइल है, अगर उसकी फील्ड कैपेसिटी कम दी हुई है तो वो कम पानी रिटेन करता है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि फील्ड की कैपेसिटी, भाई फील्ड में किस चीज की कैपेसिटी चाहिए हमें, हमें फील्ड में कैपेसिटी चाहिए पानी रिटेन करने की, हमें उससे कोई जंग तो नहीं लड़वानी। कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे है कि किस तरह का सामर्थ्य, तो हमें उसमें चाहिए पानी रोकने का सामर्थ्य, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी। तो अगर मैं बात करूं कि रेगिस्तान में रेत है, वो भी एक तरह की सॉइल है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ जैसे नॉर्मली क्ले या लोमी सॉइल है, तो रेत में पानी रिटेन नहीं करेगा, पूरा पूरा पानी नीचे चला जाएगा, जबकि हमारे क्ले या लोमी सॉइल में पानी रिटेन करेगा। तो अगर फील्ड कैपेसिटी बोला जाए कि फील्ड कैपेसिटी विल बी मोर फॉर व्हाट, सैंडी सॉइल और लोमी और क्ले सॉइल, तो तुम्हें बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सैंडी सॉइल में तो पानी रिटेन नहीं करेगा, जबकि लोमी और क्ले सॉइल में पानी रिटेन करेगा, तो फील्ड कैपेसिटी किसका होगा ज्यादा, क्ले सॉइल का ज्यादा होगा, ठीक। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ गए हम। देन तीसरी हेडिंग है हमारी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और विल्टिंग कोएफिशिएंट। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, यहाँ फिर भी डेफिनेशन देख लो। द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज दैट वाटर एट विच प्लांट कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट सफिशियंट वाटर फ्रॉम इट फॉर इट्स ग्रोथ एंड विल्ट अप। विल्ट अप मीन्स सूख जाएंगे, वो पॉइंट जिसके नीचे अब जो है फर्दरली, मतलब वो सॉइल तुम्हें दिख तो रही है, हल्की हल्की नम तो है, लेकिन वो पेड़ों के काम के लिए नहीं है, वो पेड़ों के जड़ जो है, वो रूट है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे उस सॉइल से वाटर और वो फाइनली सूख जाए, तो वो पॉइंट हो गया तुम्हारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो हमें हमेशा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ऊपर जो है हमेशा रखना है मॉइस्चर कंटेंट को। तो यहाँ पे बोला है अवेलेबल मॉइस्चर इज इक्वल टू एफ, या एफ वो ही फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी माइनस फाइव, फाइव से डिनोट करते हैं हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को। तो ये फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम उसको दिमाग से समझो तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई फील्ड कैपेसिटी जो टोटल वाटर अवेलेबल है किसी भी लैंड में, वो हो गई तुम्हारी फील्ड कैपेसिटी, और उसमें से वो पानी जो एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता, वो कौन सा पानी है, वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से नीचे का पानी, वो एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। फील्ड कैपेसिटी मतलब टोटल कितना पानी उसने अपने अंदर रिटेन किया है, और उसमें से अगर वो पानी एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, जो कि उससे नहीं निकाला जा सकता, वही हो गया तुम्हारा अवेलेबल मॉइस्चर। अगर मैं यही फिर से क्लॉथ वाला एग्जांपल लूं, तो एक क्लॉथ को, एक गीला क्लॉथ है, बिल्कुल भीगा हुआ गीला क्लॉथ है, लेकिन उसमें से पानी नहीं टपक रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पानी नहीं टपक रहा है, क्योंकि उसमें उस सेचुरेटेड कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई ग्रेविटेशनल वाटर की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो कपड़ा गीला तो है लेकिन उसमें से पानी नहीं टपक रहा है, वो फील्ड कैपेसिटी वाली बात हो रही है, ठीक। तो अगर हम उसमें बोलें कि अवेलेबल मॉइस्चर कितना है, तो उसको अगर हम जब कस के निचोड़े और जो पानी उसमें से निकला, बाहर निकल गया, वही तुम्हारा हो गया अवेलेबल मॉइस्चर, तुम्हारे लिए वही अवेलेबल है, बाकी वो जो पानी है जो और कपड़ा
नम तो है लेकिन वो निकाला नहीं जा सकता, वो तुम्हारा हो गया परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट या फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दिया मैंने तुम्हें ये कि अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी माइनस फाइव, बिल्कुल भी भूलने वाली चीज नहीं होगी। विल्टिंग कोफिशियंट जो है वो 150% ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में एई में कई बार ये पूछ चुका है रेशियो कि ये 1.5 दिया होता है या 150% दिया होता है। तो ये बोल रहा है कि जो विल्टिंग कोफिशियंट है, मैंने दिखाया था ना ऊपर विल्टिंग कोफिशियंट, यहाँ पे इस ग्राफ की बात करें तो ये जो विल्टिंग कोफिशियंट है यहाँ पे जो पानी होता है हाइग्रोस्कोपिक में, जो टोटल अवेलेबल वाटर होता है उसका 150%, यानी उसका 1.5 गुना पानी, और उतना पानी भी जो है यूजफुल नहीं होता, एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बाय द रूट प्लांट। तो कितना होता है 1.5% के, यानी 150% के बराबर होता है। कहाँ थे हम लोग, विल्टिंग कोफिशिएंट जो होता है 150% ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर के इक्वल होता है। इसमें फिर एक और रेशियो आता है यहाँ पे, ये 2.7 कैसे आएगा, ये इसी से निकल के आएगा, इसको ध्यान रखना अभी, 150% यानी 1.5। देन सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी, भाई डिफिशियंसी कहने का मतलब क्या है कि वाटर अगर हम नहीं निकाल पाए सॉइल से तो बिल्कुल उसमें मॉइस्चर डिफिशियंसी हो गई भाई, अब हमारा पेड़ वो है सूख जाएगा, वही डेफिनेशन यहाँ इसमें लिख दिया होगा। वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड एज अ फील्ड मॉइस्चर डिफिशियंसी, कि अगर जो है फील्ड कैपेसिटी से कम पानी है उसमें, उस सॉइल में, तो वो उसमें क्या है मॉइस्चर डिफिशियंसी हो गई। और रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कौन सा है, जो पानी एक्सट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं, इट इज दैट पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर विच इज मोस्ट इजिली एक्सट्रैक्टेड बाई द प्लांट एंड इट इज अप्रॉक्स 75 to 80% ऑफ द अवेलेबल वाटर। जो टोटल अवेलेबल मॉइस्चर है किसी भी सॉइल का, उसके 75 to 80% जो है वो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है, उसको आसानी से जो प्लांट है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वाला मॉइस्चर इक्विवेलेंट या तो पूछा होता है या तो हाइग्रोस्कोपिक का रिलेशन, इनका इनके बीच में आपस से रिलेशन, कि कई बार ये एई में अलग अलग स्टेट के एई और जेई के पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट भी कुछ नहीं, फील्ड कैपेसिटी ही होती है, इट इज एन आर्टिफिशियल मॉइस्चर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड इट इज यूज एज इंडेक्स ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टी, कुछ नहीं होता, मॉइस्चर इक्विवेलेंट नाम बदल दिया है, मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले 1.5 का जो रिलेशन है वो क्या बताया था मैंने, वो बताया था देखो, ये बोल रहा है कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट या फील्ड कैपेसिटी जो होता है वो होता है 1.8 टाइम्स, जनरली 1.8 टाइम्स ही होता है, इस पर 2 लिखा हुआ है, 1.8 टाइम्स ऑफ द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक, और ये 2.7 कैसे आया, 1.8 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.7 टाइम्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। समझ में आई बात, देखो ये कह रहा है कि फील्ड कैपेसिटी जो है वो 1.8 टाइम्स होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के, यानी लगभग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जितना पानी अवेलेबल है उसका दुगना पानी और प्रोवाइड करते हैं, उतना तक तो उसके कैपिलरी फ्रिंज में ही अटका होता है, यानी वो फील्ड कैपेसिटी वाली बात होती है। ठीक है, तो रिलेशन जरूर पूछता है तुमसे, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का रिलेशन की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी कितना होता है, 1.8 टाइम्स होता है परमानेंट विल्टिंग का। और परमानेंट विल्टिंग और हाइग्रोस्कोपिक में क्या रिलेशन है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 1.5 टाइम्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये 2.7 किसका हुआ भाई, 1.8 परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है और ये 1.5 हाइग्रोस्कोपिक है, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 तो हो गया 2.7। तो यानी फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन कितना हो गया, ये इसके 2.7 टाइम्स होता है। इस ग्राफ से समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो टोटल अवेलेबल वाटर होगा हाइग्रोस्कोपिक का, ठीक, ये जो है ये, और ये जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की जो लाइन है, ये बोल रहा है ये जो हाइग्रोस्कोपिक का जो टोटल वाटर अवेलेबल होगा सॉइल का, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट उसका 1.5 गुना पानी होता है। और फिर ये बोल रहा है जो फील्ड कैपेसिटी होती है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये फील्ड कैपेसिटी
इस परमानेंट विल्टिंग का दोगुना या 1.8 टाइम्स पानी होता है। और अगर इस हाइग्रोस्कोपिक से कंपैरिजन करें तो ये तो बिल्कुल सूखा है ना, बिल्कुल ओवन ड्राई सैंपल से हल्का सा नम हुआ है रखने पर एटमॉस्फेयर में, ये वो पानी है। उसका 2.7 टाइम्स ज्यादा हो पानी होगा तब वो फील्ड कैपेसिटी यानी कैपिलरी फ्रिंज में जाके वो फंसा हुआ कैपिलरी वाटर के फॉर्म में हमें मिलेगा। अब यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल होते हैं तो ये हमें पढ़ना है अब, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ रूट जोन। तो ये अब हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिर से। टॉपिक को पढ़ेंगे भी, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे।